हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपके ये दे एसएससी सीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एसएससी सीएसएल का सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है और एसएससी सीएसएल का एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यदि आप एसएससी सीएसएल की तैयारी तभी सही से कर पाएंगे यदि आपको उसका सिलेबस पता होगा और उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एसएससी सीएसएल का सिलेबस क्या होता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ सबसे पहले कि एसएससी सीएसएल का एग्ज़ाम 3 पार्ट में होता है जिनको टायर कहा जाता है। और एसएससी सीएसएल के पहले पार्ट को टायर 1 कहा जाता है, जिसको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किया जाता है, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम में हमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यूज़ के बेस्ड पे हमारा पहला एग्ज़ाम होता है। और बात करें यदि टीयर 2 की, तो टीयर 2 हमारा जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफलाइन मोड में होता है हमारे पेपर। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमें अपना ऐसे लिखना होता है, किसी भी चीज़ पे ऐसे वगैरह लिखना होता है। और ये रिटन टेस्ट होता है, इसमें पेन और कॉपी पे हमें ऐसे के रूप में लिख के वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो दूसरा जो पेपर होता है वो हमारा रिटन पेपर होता है। और अब बात कर लेते हैं इसका जो तीसरा टीयर होता है, इसको पार्ट 3 कहा जाता है। दोस्तों पार्ट 3 में हमारा स्किल टाइपिंग टेस्ट होता है। स्किल टाइपिंग टेस्ट मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी टाइपिंग की टेस्ट की जाती है, क्योंकि हमें एसएससी में जितने भी जॉब्स है उसमें टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमारे टाइपिंग किससे रिलेटेड हमारे टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसको स्किल लेवल टेस्ट कहा जाता है। और सबसे लास्ट में इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको DV कहा जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें लास्ट में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों ये तो है एसएससी सीएसएल का पार्ट एग्ज़ाम लेने का तरीका। चार पार्ट में सीएसएल का पूरा एग्ज़ाम होता है, जिसमें मुख्य पार्ट जो होते हैं वो 2 होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा टीयर 1। सो दोस्तों अब यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, टीयर 1 के इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स में बात कर लेते हैं टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 मैंने आपको जैसे बताया कि एमसीक्यू से रिलेटेड पेपर होता है, ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका एग्ज़ाम के पैटर्न कैसा होता है दोस्तों, वह पे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो एसएससी सीएसएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। और 4 सब्जेक्ट का जो 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 सिलेबस होता है, वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं। तो 4 जो सिलेबस होते हैं उसमें होता है इंग्लिश पहला सिलेबस होता है हमारा। 4 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश होता है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है, तीसरा हमारा क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड होता है, और चौथा हमारा जनरल अवेयरनेस होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश तो आप समझते होंगे, इंग्लिश का पेपर होता है इसमें, और जिसमें ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश से बेसिक रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब है दोस्तों मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। सो इसमें हमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब हमें मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हमें इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जनरल अवेयरनेस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जीके और जीएस से, इसमें जीके से और जीएस से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा फोर्थ पार्ट में हमारा 4 सब्जेक्ट होता है इस पेपर का। और यदि बात कर दोस्तों इसका क्वेश्चन कितने आते हैं कौन कौन से, तो सभी चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके इसमें टाइम कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं इस पेपर को करने के लिए हमें एक घंटे का टाइम मिलता है, 60 मिनट का हमें इसमें टाइम दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 मार्क्स की होती है, यानी कि आधे मार्क्स की यहाँ पे कोई गलत क्वेश्चन करने पे आपको आधा मार्क्स आपको कुछ पे काट कर लिया जाता है। और सो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से इसका टीयर 1 का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न होता है। सो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और चारों पूरा 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है, और आधा नंबर यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कुछ इस हिसाब से आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम
होता है और सी एस एल का इसमें एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ डिटेल में इसके टीयर टू के बारे में। दोस्तों हमने टीयर वन तो समझ लिया टीयर वन कैसा होता है, अब टीयर टू के बारे में बता दूँ। तो जो लोग अब टीयर वन पास करके जो लोग टीयर वन पास करते हैं वही लोग टीयर टू का एग्ज़ाम देते हैं। सो टीयर टू के एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों कि टीयर टू के एग्ज़ाम में हमें हमें यहाँ पे रिटिन टेस्ट देना होता है। इसमें सर दोस्तों हमारा रिटिन एबिलिटी के बारे एबिलिटी चेक की जाती है, हम कितना अच्छा लिख लेते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसे वगैरह दे दिया जाता है जो हमें लिखना होता है। और ये जो पेपर होता है दोस्तों ये 100 मार्क्स का होता है और इसका जो पेपर का जो समय होता है दोस्तों वो 1 घंटे का होता है और 1 आवर्स के अंदर आपको ये पूरा पेपर करना होता है। और 100 मार्क्स का इसमें हंड्रेड मार्क्स का पूरा पेपर होता है और इसमें आपको 33% लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और ये पेपर के 2 पार्ट होते हैं, हिंदी में भी कराया जाता है ये पेपर और इंग्लिश में भी ये पेपर कराया जाता है। सो ये टीयर वन टू के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी हमें बताती है मानो दोस्तों। अब जब जो लोग टीयर टू पास कर लेते हैं दोस्तों अब उनके लिए थर्ड पेपर होता है, वो होता है स्किल टाइपिंग। इसमें इसमें दोस्तों हमें स्किल टाइपिंग कराई जाती है, टाइपिंग टेस्ट हमारा कराया जाता है। तो इसमें दोस्तों इसमें जो हमारी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टाइपिंग में ये होनी चाहिए कि हमें 8000 कीवर्ड हमें 1 घंटे के अंदर टाइप करने होते हैं और जिसमें हमारे 20 से 2200 की डिप्रेशन इंक्लूड की जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूँ टाइपिंग के लिए भी हमें जो भी है 20 मिनट का समय मिलता है और बहुत ही कम समय। और इसमें हमें क्वालिफाई करना होता है, जब हम इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तब हमें अपनी पोस्ट पे अलग अलग पोस्ट पे हमें में जॉब इंक्लूड कर दी जाती है। सो ये पूरा टोटल 3 पार्ट में होता है। अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेता हूँ दोस्तों, आपको बेसिक डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। टीयर वन के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपका आता है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड, आइटम्स एंड द फ्रेसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इंटू डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कंफ्रेंसिंग पैसेज। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस आता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस में हमारा क्या आता है। तो जनरल इंटेलिजेंस में हमारा जो है फिगरल एनालॉग, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटेशन, क्वालिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, नंबर क्वालिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, फिगरल क्वालिफिकेशन, पंच होल कोड, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग सीरीज, फिगर पैटर्न फोल्डिंग, नंबर सीरीज। सो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस में जो है हमारा रीजनिंग से इंक्लूडेड पार्ट आता है, जिसमें हमें रीजनिंग से जैसे फिगर पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सो नंबर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादातर इसमें जनरल इंटेलिजेंस ये आपका सिलेबस होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे सिलेबस क्वांटिटी एप्लीट्यूड में क्या आता है। तो क्वांटिटी एप्लीट्यूड में आपका पहला पार्ट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है। सेकेंड पार्ट होता है इसका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें परसेंटेज, रेशियो एंड द प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड द कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड द एलिगेशन, टाइम एंड रिटर्न, टाइम एंड द वर्क। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तो उसमें आता है बेसिक एलजेब्रिक मेथड एंड द ग्राफ। और फोर्थ होता है इसका ज्योमेट्री यानी कि इसमें आपका ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री के अंदर जिसको रेखागणित कहा जाता है, फैमिली विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, सर्किल, ट्राइग्राम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर एक्सेट्रा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसमें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, पैरेललेपिपेड वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कंप्लीटली एंगल्स, हाइट एंड द डिस्टेंस। एंड फोर्थ इसका स्टैटिकल चार्ट्स में यूज ऑफ द टेबल्स एंड द ग्राफ वगैरह। सो ये है हमारा पूरा दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं हम इसमें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमारा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस में पूछी जाती हैं। तो ये दोस्तों कुछ डिटेल में आपको मैंने एसएससी सीएसएल का सिलेबस बता दिया और एसएससी सीएसएल का यहाँ पे आपको इसमें
इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बता दिया और इसके एग्ज़ाम कितने पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के बारे में आपको बता दिया डिटेल में, तीनों पार्ट में क्या क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी दोस्तों, इसके सिलेबस से, एग्ज़ाम पैटर्न से, इसके तीनों पार्ट से रिलेटेड। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपको अगर SSC CSL की तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी आप करें सिलेबस के साथ इंक्लूड होके। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए ये दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।